अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क में एक नौजवान आ रहा है, ये देखें, ये एक टांग से मजदूर है, लेकिन यहाँ इमरान खान की कॉल पे यहाँ आ रहा है। इसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आया है, क्या जोश व जज्बा है और इस इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहना चाहता है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? स्वाबी से। स्वाबी से आप इतनी गर्मी में एक टांग से मजदूर होने के बावजूद यहाँ F9 पार्क इस्लामाबाद पहुँचे हैं, क्या वजह आने की? बस इमरान खान के लिए है और ये जो लोटे लोग कमीशन में बैठे हुए हैं इसकी इस्तीफा के लिए आए हुए, अल्लाह करे ये लोग उतर जाए, क्योंकि हमारा भी जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए आए हैं और इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इमरान खान की एक कॉल पर ये गर्म टोपी पहनी हुई है जिसपे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है, मफलर पहना हुआ है, और आप इतनी गर्मी में, मेरा कैमरा में दिखाए, इन्हें पसीना दिखाएं किस तरह पसीना है, और इतनी गर्मी में आप यहाँ आ रहे हैं जी। कौन सी मोहब्बत है इमरान खान के साथ? वैसे तो बचपन से मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट की वजह से, मगर अब थोड़ा प्यार ज़्यादा हो गया उनसे जी, क्योंकि वो इंसान है, इंसानों का जो ना कदर है उसके साथ, इन लोगों के साथ कदर नहीं है। लोटे लोग जी, पहले जब मैं खुद एक गरीब हूँ, खुद एक टिकटॉक स्टार भी हूँ माशाल्लाह, तो अपना मेहनत करता हूँ, घड़ियाँ वगैरह ठीक करता हूँ, ये अतर वगैरह बेचता हूँ। अच्छा, मुझे इससे जो ना हमारा गुजारा नहीं होता है अब इन लोगों की वजह से, पहले होता था, अब नहीं होता है, अब गुजारा नहीं होता, नहीं होता है। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए, उतरना चाहिए, खुद ही इस्तीफा देना चाहिए कि भाई हमारे आवाम इतनी तकलीफ में है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कम से कम गरीबों को मदद तो दे सके। आप समझ रहे हैं इमरान खान ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबसे बेहतर है, चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, ये सब लोग बेईमान है, जितने भी लोटे सब मुनाफिक है, कोई भी इसमें इंसान नहीं है। लेकिन जी ये जोश व जज्बा इमरान खान की एक कॉल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और ये हमारा भाई जो डिसेबल है एक टांग से, लेकिन इस गर्मी में इस मुश्किल में चल के आगे आ रहा है। इसने बात की, इसका ये कहना कि इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा लेने स्वाबी से यहाँ आया और अभी बहुत मुश्किल है इन्हें। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? हम तोरखाम बॉर्डर, 0 पॉइंट तोरखाम बॉर्डर, 450 किलोमीटर। देखें आने की तो दूर की बात है, जान देने के लिए हम तैयार है, जान देने के। इस जज्बे को क्या कहें? ये कह रहे हैं कि आना तो दूर की बात, 450 किलोमीटर तुरहम बॉर्डर से यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे, कहने जान देने के लिए भी तैयार है, जान देने। आपको पता है आज पुलिस की एक दफा फिर राणा सनाउला के आर्डर पर शैलिंग की तैयारी थी, जुल्म और सितम करने की तैयारी थी। यार पुलिस तो जब नून का हुकूमत पिछले था ना, वो कभी वो गुंडी थी और आज गुंडा है। आपको कोई डर नहीं है कि आप? हम तो नहीं डरते यार, नहीं डरते, हम तो तैयार जान देने के लिए। देखिए जी ये जोश व जज्बा है यहाँ इस्लामाबाद में। मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। छोड़ दिया, कसम से सारा काम छोड़ दिया, सारा काम। हम खुद यूसी चेयरमैन है इलाके का, माशाल्लाह, यूसी छोड़ दिया, इधर आए हैं खुद यूसी चेयरमैन है माशाल्लाह, और सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। ये जज्बा है भाइयों का, केपी से यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और पहुँच चुके हैं। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या जोश व जज्बा उनका।